फाइनली गाइस सब तैयारी हो चुकी है। अमेजोन के जंगलों से मैं अकेला जाके ये सारी लकड़ियाँ ले आया हूँ, सब कुछ ले आया हूँ। और ये अपने दोस्तों को सिर्फ मतलब उनको कोई परेशानी ना हो इस वजह से मैं अकेला जोखिम कूद गया। एक बहुत बड़ी नदी थी जो मैंने कूद के कैसे ना कैसे करके वो पार की। वो लड़का वो आपको ऐसा लगेगा कि वो आराम से पार कर पा रहा है, ये बहुत मुश्किल है। वो थोड़ा लंबा है हाइट में, इसलिए तो ये चला जा रहा है। तो और भाई क्या कहना चाहोगे आप मेरी दिलेरी के बारे में? हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती। ये क्या तमीज होती है? ये इस चेहरे को इग्नोर करो, इसकी वॉइस कट कर दूंगा मैं, डोंट वरी गाइस, मेरे पे विश्वास रखो। अभी यहाँ पे बहुत ही मतलब पनीर लजीज वो बोलते हैं ना कि रोस्टेड वो बनने वाला है। वाइब आ रही है, मन करता है विद्युत की फोटो शूट करवा लूँ यहाँ पे। थोड़ा सा यहाँ बैठता हूँ, फिर यहाँ बैठता हूँ चूल्हा जलाने के लिए, और मैं समंदर में जाता हूँ। वो तो भैया बहुत ही बढ़िया लग रहा था, मैं तो जंगली भालू लगूंगा। ये बंदा बारबेक्यू की जाली के पीछे अलग से पड़ा हुआ है, कभी इसको खेतों में छोड़ आता है, कभी कहीं छोड़ आता है, अभी पता नहीं कहाँ भूल आया। अभी हम अपना पनीर रोस्टर पनीर कैसे बनाएंगे बता मेरे को, जालिम आदमी, ओ जालिम। ऐसे वैसे करते रहो, यहाँ पे इस पे जाली लगनी चाहिए थी, वो ना तुमसे लगी है, ऐसे वैसे करवा लो तुमसे। इस बारे में कुंवर भाई आपका क्या कहना है? खैर आप तो इन्हीं का साथ दोगे, आप तो हो ही दल बदलू। चाकू लेके कहाँ जा रहे हो पठान भाई? किसका कतल करना है? ये आपके फेस से बड़ा लग रहा है चाकू। देखो इधर देखो कैमरे में, पूरा फेस कवर हो रहा है। कातिल पठान भाई, पठान भाई पूरे प्रोफेशनली फेस को काट के बोले टूट जाएगा। कहाँ पे शेफ रह चुके हैं आप? एड्रेस नहीं बता सकती, सॉरी। वो कौन सी जगह थी? वो ओकिनावा। ओकिनावा में क्या? और आप कहाँ पे आग जलाने का काम पहले कर चुके हो? Amazon. ये बहुत बुरा था। So guys, सबसे बेकार और घटिया किस्म का आपको जुगाड़ देखना मैं दिखाता हूँ। हाँ मेरे साथ ये हवा ग्रुप निकले और यहाँ हमारा ड्रिल हो गया। गिर गया बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। ये देखो मैंने पहले बोला था इतना घटिया हो भाई, देख लो कुछ ना। और ये इसके मतलब जिनकी देख रेख में ये बना है, जिन्होंने इस चीज का नक्शा वक्शा बनाया वो ये आदमी है। आप शक्ल क्यों छुपा रहे हो, दिखाओ जरा जनता को। इससे क्या बांधेगा तू? वाह वाह वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। क्या जुगाड़ लगा रहा है ये बंदा, कहता इससे बांधो, बताओ। और डाल ही देता हूँ ना, आई रहा है। अरे कॉपीराइट आ जाएगा, बीच में बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं करते। रोस्टेड पनीर तो बना दिया है मैंने, देख सकते हो आप, बहुत ही बढ़िया और लजीज लग रहा है। अब चाय बना रहे हैं कुंवर भाई। ये इनका देसी जुगाड़ गिर चुका है, तीसरी चौथी बार इन्होंने वो किया है। मैंने इनको बोला यार थैंकफुल, मैं तो हूँ, जब अच्छी चीज़ बनेगी तो मैं थैंकफुल हूँ ना। ये भाई ये देख लो, ये देखो कैसे, चलो इधर से आ रही है पर इधर से रुक नहीं रही। मेरे को लग रहा है इनको चद्दर लगानी चाहिए थी, यहाँ तो बढ़िया तरीके से चाय बन जाती, मज़ा आ जाता चाय पी के। वो भी है ही नहीं ऐसा, क्या कर सकते। जेब्रोनी का ये स्पीकर है और पूरी वाइब दे रहा है नेचर के साथ, मज़ा आ रहा है। और इसका प्रमोशन से कोई लेना देना नहीं है, मैं खुद की मर्जी से कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्पीकर मुझे बहुत पसंद आया, बहुत सेक्सी है और इसमें म्यूज़िक भी बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं, कॉपीराइट क्लेम लग जाएगा। तो दोस्तों कैसी वाइब आ रही है तुम लोगों को यहाँ पे,
कैसा लग रहा है? चिल, बढ़िया, मज़ा आ रहा है। हम वहाँ जाके बैठे हुए थे, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, इतना ज़्यादा मज़ा आया कि क्या बताऊँ। अभी वाइफ का मज़ा ले रही है, इसके बाद मैगी बनाएंगे, मैगी मूगी खाएंगे, मैगी पास्ता है ना अपने पास, वो खाएंगे और फिर आराम करेंगे। पर यार ये जो हरकतें की हुई है ना, ये गंद फैलाया हुआ है, ये सारी चीज़ें ये मत किया करो यार अपने, मतलब जिसने भी जो भी कचरा फैलाना है अपना वो करो, उधर कोई तंबू वंबू लगा हुआ है छोड़ो उसको इग्नोर करो, पर ये जो गंद फैलाया है यार ये चीज़ें ना करो यार, अपना कचरे का पॉलीथिन लेके आओ, उसमें डालो और जाके डस्टबिन में डाल दो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा यार, ऐसे अच्छा नहीं लगता यार। शुरुआत मैंने कर दी है, माइक ऑन है ना, पता चले बंदा साला। अभी सारी चीज़ें हो गई हैं, अब मैगी बनाने जा रहे हैं, तो अभी बनाते हैं और उसके बाद मैं बताता हूँ। मैं ये थोड़ा सिनेमैटिक लुक लिया है, मतलब सिनेमैटिक ऑप्शन मोड ऑन किया है देखने के लिए कि कैसी वाइब आती है। पाइप तो बढ़िया लग रही है, पीछे धुंध आ रहा है और मैं फोकस में आ रहा हूँ, मेरे को तो बढ़िया लग रहा है, बढ़िया नहीं बढ़िया। लकड़ियाँ पूरी तैयार हो चुकी हैं मैगी के लिए, और लकड़ियाँ तोड़ी भी जा रही हैं, मतलब काटी भी जा रही हैं, यहाँ पे कुल्हाड़ी बुला रही, सब कुछ है, चाकू, किसी चीज़ की कमी नहीं है। मतलब प्रोडक्शन वैल्यू आप सोच नहीं सकते किस हाइप तक है। और मैं एक बैटरी भी लेकर आया हूँ घर से, जो कि पापा ने दी थी, उनको किसी ने गिफ्ट दी, उन्होंने मुझे दे दी कि तेरे काम आएगी। मैंने भी बोल दिया हाँ आप क्या ही करोगे, असली एडवेंचर तो मैं करने वाला हूँ। और यहाँ पे कुंवर भाई की पूरी मेहनत जारी है कि भैया आग लगा रहे हैं, आज तो पूरा बन चुका है, बाइक पूरी आ चुकी है, बस और कुछ नहीं चाहिए जीवन में, सब चीज़ें एकदम स्टैटिक फील वाली पूरी है, मज़ेदार। ऐसा पास्ता मैगी बनाऊंगा ना, लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे, सच बता रहा हूँ, कसम से, ऐसे पूछ लो वरना चल जाए। पानी कम है इसमें। तो यहाँ पे हमारी पूरी मैगी पक चुकी है और देखने में काफ़ी यमी लग रही है, और सबके मुंह में पानी आ रहा है। अरे 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 इतना पानी मत लेके आओ मुंह में, सबको खाने को मिलेगी, चिंता मत करो। यहाँ पे अभी सर्व करने लगे हैं मैगी, अभी थोड़ी देर पहले चम्मच गुम हो गए थे और हेमंत भाई ने बड़ी ही लापरवाही से उन्हें नहीं ढूँढा, क्योंकि वो उनके बैग में ही थे, जो जहाँ पे जिसमें हमने अपना बटर पनीर सब कुछ रखा हुआ है, तो सारा इल्ज़ाम हम इस पे डालते हैं हेमंत भाई पे, तो क्योंकि इन्होंने अच्छे से उस जगह को देखा नहीं। क्या कहना चाहते हो इस न्यूज़ के बारे में आप? सही बात कर रहा हूँ ना मैं? हाँ, इसमें किसकी गलती है सारी? हेमंत भाई की। हाँ हेमंत, क्यों करते हैं ऐसे काम, तमीज़ नहीं है तुझे बिल्कुल भी। और मालकिन हमारी गाड़ी में बैठी हुई है और बिल्कुल भी इधर नहीं देख रही, इनको ठंडी लग रही है गर्मी में भी, खैर क्या कर सकते हैं। भैया मालकिन तहलका भाई, आपको ठंडी लग रही है क्यों? बाहर आओ, जरा नज़ारा लो, मौसम देखो कितना सुहाना हो चुका है। आप ही इधर से लेके आए हो, मैं कब से बोल रहा हूँ उधर से चलते हैं। और ये कढ़ाई में जो मैगी लगी हुई है ना, इसे उसमें डाल दो पानी में, तभी ये सही होगी। और ये देखो, ये चाय वाले बर्तन हमारे यहीं छोड़ दिए, चाहे भले कोई उठा के ले जाए तो है। हाँ मैं कुछ नहीं खा रहा था, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आपने कुछ नहीं देखा। और ये हमारे हेमंत भाई यहाँ पे मैगी लेकर आ रहे हैं, तो ये मैगी लेके यहाँ पे आएंगे और हम यहाँ पे व्यू का नज़ारा लेते हुए यहाँ पे मैगी खाएंगे। ये फ़ोन मुझे क्यों दे रहे हो? अच्छा मेरा है, कोई बात नहीं रखो। और ये मैगी तो बढ़िया लग रही है देखने में, थैंक्स टू मी, मैंने अच्छी बनाई है। मैं फोकस और डीफोकस कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिनेमैटिक में बना रहा हूँ। और ये आ चुकी है हमारी मालकिन टहलका भाई। टहलका भाई क्या हाल चाल? बढ़िया, सबके हाल बढ़िया हो रहे हैं, मैगी खा के और बढ़िया हो जाएंगे, कोई चक्कर ही नहीं। एक मैगी एक पास्ता। अरे मालकिन अच्छे से बैठ जाओ, कोई बात नहीं, हम गरीबों को भी खाना देते हैं। तो अभी मैगी का पील लिया जाएगा, वाइब ली जाएगी, खाने के बाद आपसे बात करता हूँ कि कैसा लगा। अभी तो एक तरफा लग रहा है सब कुछ। ठीक है दोस्तों, थोड़ी देर बाद मिलता। जगह चेंज हो गई है, लोकेशन चेंज हो गई है और आ गया है सेक्सी सी लोकेशन में, यहाँ देख कर मज़ा आ रहा है। और वो तंबू वाले भी हमने देख लिए। तो ओवरऑल अगर बताऊँ बहुत बढ़िया है,
नेचर के पास एकदम जगह है। फिर से बता रहा हूँ, कालू फोर्ट डाल लेना, उसके आसपास आपको लेक बता देंगे कि कौन सी लेक है, तो आपको मज़ा आ जाएगा देख के। और इतनी सुंदर और इतनी बढ़िया है ना, जिसकी कोई हद नहीं। बढ़िया शांति पीस और एकदम मतलब बोले तो वाइब है, वो वाला सीन है। और ये हमारे पंटर लोग लोकेशन ढूंढते हुए, अबे कहाँ आ जाएगा, पानी में कूद देगा के, ऊपर ही आ जा। यहाँ पे हमारे कुंवर भाई सा लीड करते हुए, कैसे नहीं वैसे ऐसे 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 इधर इस साइड। अच्छा अब तू बताएगा, कहाँ भी चल लो भैया, हम तो चलने के लिए तैयार हैं, हमें जहाँ बोलोगे। हाँ ये तो बहुत ही सुंदर है, क्या बताऊँ, जितनी तारीफ करूँ उतना ही कम है। वाह क्या व्यू आ रहा है, कितनी शांति में बैठे हैं सबके सब। लोकेशन एक तरफ, सनसनीखेज खबर। पठान भाई को लगा चूहे के बिल से खतरा, बोले यहाँ नहीं बैठेंगे, यहाँ बैठे तो गड़बड़ हो सकती है। अब क्या किया जाए, ऐसी लोकेशन ढूंढी जाए जहाँ पे ऐसी चीज़ें ना हो। तो यहाँ पे बिल कम है तो हम यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ तो है ही नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाइस, सबका ध्यान रखते हो तुम, आई अप्रिशिएट, वेरी नाइस। पठान भाई ने मर्जी दे दी, मतलब मंजूरी दे दी है, तो बैठ सकते हैं सब लोग। यहाँ पे छोटे बच्चे खेलते हुए, और स्लेजिंग भी करेंगे और ये भी करेंगे। ओ देख ये सबसे छोटा बच्चा, वैसे हाइट में लंबा है पर है सबसे छोटा बच्चा, चाहे पहाड़ से भी ऊंचा है। सनसेट हो चुका है यहाँ पे, और वाह क्या लग रहा है, यहाँ से भी देख लो, वाह क्या लग रहा है। यहाँ पे पूरा नेचुरल फील लेते हुए पानी का, और बर्तन धोते हुए पूरे दिखाते हुए अमेजोन के जंगलों के टाइप में कि ये रह सकते हैं ऐसे जंगलों में। जिंगा लाला हू कर सकते हो ना, बस कुंवर भाई यही चाहिए आपसे, जिंगा लाला हू। और यहाँ पे अगली मैगी और चाय बनेगी शाम की, और शाम बहुत सुहानी है। और ये मेरा बढ़िया सा वाला पार्टनर है जो अच्छे अच्छे गाने बजाता है, और अभी इसीलिए साइलेंट कर रखा है क्योंकि क्या जाएगा पठान भाई, कॉपीराइट। हाँ गुड शाबाश, ये लकड़ियाँ वकड़ियाँ हमने यहीं से इकट्ठी कर ली है। तो इधर कोई और आया है जो कह रहे हैं कि हम रात को कैंपिंग वैम्पिंग करेंगे, खैर अपना मज़ा लेंगे, हम इधर अपना ले रहे हैं। ए भैया जंगली आप कहाँ से आए हो, कैमरा को देखते ही स्टेट बैठ गए, पहले अच्छे वाले अपने पाँव पे बैठे हुए थे भैया, हेलो। तो यहाँ पे जितना भी कहूँ उतना मतलब कम है, बहुत ज़्यादा बढ़िया जगह है और मज़े भी उतने ही ज़्यादा आते हैं। मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी क्योंकि मेरा माइक है जो बिल्कुल उसकी बैटरी चली गई है और लो हो चुके हैं। काफ़ी अच्छी वाइब है, अब लास्ट मैगी खाएंगे, फ़ोन की बैटरी भी गई, ब्लॉग तो पूरा पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा, जितना भी बनेगा बढ़िया हो जाएगा, मेमोरी भी कम है, खैर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आप तक चीज़ें पहुँचाते रहेंगे। अभी ये बर्तन वर्तन धो ले, इसके बाद मैगी और चाय बनेगी, उसके बाद हम घर निकल जाएंगे। शाबाश लोंडो लगे रहो, नहीं उसके बाद बैठेंगे, उसके बाद बैठेंगे और क्या करेंगे, एंजॉय द व्यू। ये मेरे दोस्त लोग कब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज को, इनसे आग ना लग रही, और ये मेरे दोस्त लोग कब से जलाने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे जल नहीं रहा। ये दूसरा शॉट ले रहा हूँ क्योंकि पहले मेमोरी भर गई थी, अभी वीडियो डिलीट करने के बाद ले रहा हूँ। मैं चांद दिखाता हूँ, मेरी टॉस से चांद तक लाइट जाती है, ये देख रहे हो आपने ऊपर चांद दिख रहा है, ये सिर्फ मेरी बदौलत है। और ये सामने शहर दिख रहा है, ये भी मेरी टॉर्च की बदौलत है। तो देखो मेरी टॉर्च बहुत ज़्यादा बढ़िया है,
ये महंगी उषा कंपनी की है, तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। और भैया जल्दी करो, मैगी भी खानी है। पता क्या है, इसको ऐसे नहीं बनाना हेमंत भाई, ऐसे बनाएगा ना तो जल गया मेरा बारबेक्यू पूरे का पूरा। अब इससे ज्यादा कुछ और हो नहीं सकता था। बाय बाय। कुंवर भाई यहाँ पूरा रास्ता दिखाते हुए कि ऐसे चलो, गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस देखते हुए बहुत ही तगड़े तरीके से। क्या कुंवर आगे देख रहे, वो ग्राउंड लेवल का इशू तो नहीं है? देखते हुए ब्रो, ग्राउंड क्लियरेंस देख, गैप है ना, गैप है ना। हाँ। ग्राउंड क्लियरेंस है। किस साइड से? जाएगी थोड़े टायर घिसेंगे चढ़ जाएगी। दो भैया लोगों ने हमारी बहुत अच्छी मदद की और उसके बाद हम निकल लिए। थैंक यू कुंवर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खैर दोस्तों, हमने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आग जलाई। मैं ऐसे दिखा देता हूँ यार, हवा का साउंड बहुत आएगा। बहुत अच्छे तरीके से आग जलाई, तो इतनी आग जली मतलब इतनी मेहनत लगी, आँखों से मतलब पानी तक आ गया। कुंवर भाई तो रोने लग गया कि मैं नहीं जला पाऊंगा आग, तुम लोग जो जला लो, मैंने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। तो लकड़ियां तोड़ तोड़ के मुझे देनी पड़ रही थी। कुंवर भाई मैं आपकी बुराई कर रहा हूँ, आप सुन तो नहीं रहे? शिट, इन्होंने सुन लिया। तो उसके बाद हमने अच्छे तरीके से मैगी बनाने की कोशिश की, मैगी आधी से ज़्यादा आग में गिर गई। आग ने कहा कि चलो तुम अब रोज़ खुद खाते हो, मुझे भी थोड़ा खिलाओ। खैर बहुत बेकार बन सा। उसके बाद हमने चाय बनाई, चाय बड़ी मुश्किल से बनी, और वो भी मेरा कप चाय का उस बंदे ने गिरा दिया, वो जो उधर बैठा हुआ है, दिख रहा है दूर, उसने गिरा दिया। चलो कोई बात नहीं। वैसे उम्मीद करता हूँ आपको मतलब ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थोड़ा सा हवा का साउंड आ रहा होगा तो इससे भी थोड़ा एडजस्ट कीजिए, ठीक है? किधर गए? हाँ बाय बाय पठान भाई, बाय बाय कर दो, ठीक है? बाय कुंवर भाई, कहाँ? इधर। हेलो हेलो हेमंत भाई, बाय। ठीक है, कुंवर भाई तो शर्मा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके हाथ में लाइट लग रही है, पर ऐसा नहीं है, वो झूठ मूठ का नाटक कर रहे हैं। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय दोस्तों।